ऐसे मसालेदार स्पाइसी बैंगन आलू की सब्जी अगर लंच या डिनर में बने तो आप पनीर छोड़ इसे ही खाएंगे। और ढाबे जैसी लुक्स की ये सब्जी को आज हम बनाएंगे बिल्कुल कम से कम तेल से, लेकिन इसका टेस्ट आपको ढाबे से भी बेहतर लगेगा। तो यहाँ मैंने करीबन 400 ग्राम बैंगन ली है और बैंगन को मैंने अच्छे से धोने के बाद ऐसे लंबाई में काटी है। इसे बहुत छोटे टुकड़ों में आप मत काटना, क्योंकि सब्जी में अक्सर छोटे टुकड़े गल जाते हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और इन्हें अच्छे से ऐसे टॉस करके मिला लेंगे। ऐसे नमक हल्दी मिला के बैंगन को अगर आप 10 मिनट के लिए रख देंगे तो बैंगन तेल बहुत कम सोख करेगा और सब्जी भी बहुत ही कम तेल में बन जाएगा। तो अभी इसे हम बस 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। अब इस कढ़ाई में 4 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब ये सारे बैंगन को इस तेल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर बैंगन को हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब बैंगन को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए बैंगन फ्राई हो चुकी है और देखिए काफी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो बस अभी इसे हम तेल से निकाल लेंगे और अब इसी बची हुई तेल में डालेंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच सौंफ और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की आलू को ऐसे लंबाई में काट के पानी में भिगो के रखी थी। इससे आलू जल्दी से काला नहीं पड़ेगा। तो अभी ये सारे पानी को छान के आलू को कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन सारे आलू को तेल में एक बार अच्छे से चला लेंगे और फ्लेम को लो करके इस कढ़ाई को करीबन 10 मिनट के लिए ढक देंगे। लेकिन इसे हमें पूरा ढक के छोड़ना नहीं है, बीच बीच में 1-2 बार ढक्कन को हटाएंगे और ऐसे एक बार चला के वापस ढक देंगे। इससे आलू अच्छे से फ्राई भी होगा, नीचे से लगेगा भी नहीं और जल्दी से सॉफ्ट भी होगा। सब्जियों को ऐसे ढक ढक के पकाने से आप चाहे कोई भी सब्जी बनाए उसमें तेल आपका बहुत कम लगेगा। ये देखिए आलू काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी तेल में 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। ऐसे थोड़ा सा चीनी डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और अभी इसमें डालेंगे 1 कप स्लाइस की हुई प्याज और लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। करीबन 5 से 7 मिनट मैंने प्याज को भूना है। तो अभी फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप लंबाई में कटी हुई टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को कुछ देर के लिए भूनेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर की सारे सीड्स को निकाल दी है, इससे टमाटर जल्दी से गल जाएगा। और मैं इस सब्जी में तेल बहुत कम यूज कर रही हूँ, इसलिए इन मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे। क्योंकि आलू और प्याज तो ऑलरेडी भून चुका है, तो ऐसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। बस ये छोटी मोटी कुछ ट्रिक्स है जिससे आप बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम समय में बिल्कुल ढाबे या स्ट्रीट स्टाइल सब्जी को बना सकते हैं। तो देखिए बस 10 से 12 मिनट में ही मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अभी इसमें हम करीबन 1 कप पानी डालेंगे और साथ में ये सारे फ्राई की हुई बैंगन को भी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। मुझे यहाँ पे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो करीबन 1/2 कप पानी मैं इसमें और डालूंगी और अच्छे से मिला दूंगी। ग्रेवी का थिकनेस आप जैसा रखना चाहते हैं, पानी आप उसी हिसाब से डालें। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और कढ़ाई को करीबन 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए सब्जियों का टेक्सचर काफी चेंज हो चुका है और ये ऑलमोस्ट बन भी चुका है। अब लास्ट में इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से बस मिला देंगे। अभी इसे हमें और पकाना नहीं है। तो आप कढ़ाई को ढक के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बस 5 मिनट इसे रेस्ट होने देंगे।
तो दोस्तों बन गया हमारा बिल्कुल ढाबे जैसी आलू बैंगन की सब्जी। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।